हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका दोस्त कपिल आ चुका है एक नए ट्रेलर की जानकारी लेकर। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंदुत्व फिल्म का ट्रेलर देखा। आपको बता दें कि जिस तरीके से आजकल के नेता बहुत चालाक हो गए हैं, यानी कि जो राजनीति है वो बहुत चालाक हो चुकी है, उसी तरीके से जो हमारे फिल्म मेकर होते हैं वो भी बहुत चालाक होते हैं, मौके के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। तो हिंदुत्व फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और हिंदुत्व फिल्म के ट्रेलर से ही पता लग रहा है कि ये फिल्म सरकार को भी खुश करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इसमें एक डायलॉग बोला गया है कि अगर मुसलमान अपने मुसलमान होने पर फख्र करता है, तो जब हम हिंदू अपने को हिंदू कहते हैं तो क्यों सबके तन बदन में आग लग जाती है, और हम हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं तो क्यों तन बदन में आग लग जाती है और लोग सेक्युलरिज्म का डंका पिटने लग जाते हैं। अनूप जलोटा साहब भी फिल्म में एक्टिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। इसमें बहुत नोन एक्टर्स तो नहीं है, लेकिन सीरियल्स के एक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो एक्टर्स होता है वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होता है, मौके के हिसाब से काम करता है, तो बड़े एक्टर्स ने शायद इसमें काम नहीं किया होगा। खाली एक गोविंद नामदेव साहब आपको दिखाई देंगे इस फिल्म के ट्रेलर में, अनूप जलोटा साहब दिखाई देंगे, बाकी सब नई कास्ट दिखाई दे रही है। अंकित राज और आशीष कर रहे हैं मुख्य किरदार, जिसमें से आशीष जो है वो बने हुए हिंदू और अंकित राज जो है वो बने हुए हैं मुस्लिम, और सोनारिका है उनके साथ एक पूजा करके एक्ट्रेस है वो भी है। तो ये फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, जी पे आया है ट्रेलर, और फिल्म का जो डायरेक्शन है वो करण राजदान ने किया है। हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है इस फिल्म में। वैसे भी देखा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदू अपने आप को बड़ा स्ट्रांग महसूस करने लगा है, तो लोगों को लुभाने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन हाँ, डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, 370 की बात भी की गई है, और ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है आतंकवादी जो है वो कह रहे हैं कि 370 हटा दिया गया है, अब जाके हिंदुस्तान में आग लगा दो। दोस्तों, हालांकि नए एक्टर्स हैं लेकिन ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी थिंकिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, वो शायद इस फिल्म को हिट भी करा देंगे। फिल्म में जो भी चीजें दिखाई गई वो बड़े करीने से दिखाई गई है कि आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों दिखाया गया। उसमें जो अंकित राज साहब भूमिका कर रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बोलती भी कि कश्मीर में जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे वही हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ट्रेलर को बड़े करीने से बड़ा सोच समझ के करण राजदान साहब ने बनाया है। आप उस ट्रेलर को देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ट्रेलर। आगे और जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।